हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ द ऑव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड. पूछा गया कि जो ऑव्यूल का बॉडी फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ वो कौन से रीजन पे करता है, उसे क्या कहते हैं. चलाजा, माइक्रोपाइल, इंटेगमेंट्स, हाइलम. तो अगर हम देखें यहाँ पे टिपिकल ऑव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो टिपिकल ऑव्यूल में जैसे ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऑव्यूल है. एंड ये क्या है, ये स्टॉक जैसा फ्यूनिकल है यहाँ पे. तो ये क्या है, ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है. और यहाँ पे अगर हम देखें अंदर की तरफ क्या है, एम्ब्रियो सैक. ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक. एंड ये जो है यहाँ पे आउटर इंटेगमेंट है, ये आउटर इंटेगमेंट. एंड ये जो एम्ब्रियो सैक है इट इज सराउंडेड बाय न्यूसेलस, इट इज सराउंडेड बाय न्यूसेलस. और यहाँ पे जो है आउटर इंटेगमेंट जो है उसके अंदर की तरफ क्या है, इनर इंटेगमेंट है. तो ये दोनों क्या है, इंटेगमेंट्स हैं. यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये क्या है, ये जो है ये इंटेगमेंट्स हैं, इंटेगमेंट्स. सो जो इंटेगमेंट्स है ये पूरा कवर करता है एक्सेप्ट दिस रीजन. इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल. और इसके अपोजिट वाला जो है वो क्या है, चलाजा, चलाजा. एंड ये जो ओव्यूल जो है फ्यूनिकल से जिस जंक्शन पे यहाँ पे जो फ्यूज कर रहा है, ये जो जंक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम. तो यही पूछा गया है कि जो ओव्यूल फ्यूज करता है यहाँ पे रीजन, जो फ्यूनिकल से जो फ्यूज करता है वो रीजन जो है, ये जो जंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, वो हाइलम है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन, दैट इज हाइलम. चलाजा नहीं कहते इसको, नहीं माइक्रोपाइल, नहीं इंटेगमेंट्स. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.